हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सेवा। यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी मूंगफली के दानों की नमकीन कैसे बनाते हैं। जो ये मूंगफली के दाने होते हैं, हम उनकी आज नमकीन बनाएंगे। और उसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ये हमने एक छोटी कटोरी बेसन लिया है, आधा छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटी चम्मच नमक और आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, तेल इसे तलने के लिए। फ्रेंड्स, ये जो मूंगफली के दाने हैं, इनको हम आज बनाएंगे। बाज़ार में जो नमकीन आती है, आप उससे अच्छी नमकीन घर पे बना सकते हैं। बाज़ार में जो नमकीन आती है, उसमें कभी नमक ज़्यादा होता है, कहीं मिर्ची ज़्यादा होती है, तो आप घर पर इसको अपने टेस्ट के अनुसार बना सकते हैं। तो चलो इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें 2 चम्मच ये बेसन डालेंगे। और ये गरम मसाला पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर और ये लाल मिर्च पाउडर। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसे हाथ से ही कर लेंगे। हमें इसको ज़्यादा पतला नहीं बनाना है। ये देखिए, इस तरह से हमें ऐसे रखना है। हमारा ये मूंगफली का मसाला बनकर तैयार हो गया। अब हम गैस ऑन करेंगे। तेल हमारा गरम हो गया है। अब हम इनको तेल में इन दानों को डालेंगे। इस तरह से हम तोड़ते हुए इनको डालेंगे, जिससे कि अलग अलग रहेंगे। गैस को हम बिल्कुल स्लो रखेंगे, तभी ये अच्छे से कुरकुरे दाने सिकेंगे। बीच बीच में हम इनको चला देंगे।
देखिए ये हमारी नमकीन सिक गई है, अब हम इसको निकाल लेंगे। और इसी तरह से हम अपनी पूरी नमकीन सेंक लेंगे। रिकॉर्डिंग तो बंद। नमकीन बन चुकी है, अब हम इनको भी निकाल लेंगे। हमारी सारी नमकीन बनकर तैयार है, अब हम इनको भी निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी मूंगफली की नमकीन बनकर तैयार है। कितनी जल्दी झटपट नमकीन बन गई है, बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही कुरकुरी बनी है। इसे आप एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख दीजिए, 10-15 दिन तक इसे आराम से आप खा सकते हैं, और चाय के साथ खाएंगे तो चाय का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।